चैनल कोकोनट स्टाइल। तो आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा। और गाजर का हलवा बनाने का तो जो तरीका है ना वो बहुत सारे हैं। लाइक कोई क्रस मतलब कद्दूकस करके डालता है, कोई मतलब बहुत तरीके हैं। तो मैंने ना बहुत सिंपल तरीके में बनाया है कि मैंने घी डाला, उसके बाद मैंने गाजर को छोटा छोटा पीस करके घी में छौंका दे के पानी डाल के मैंने सीटी लगाया जब तक वो बहुत नरम ना हो जाए। मैंने उसको मैश करके अभी 3 पैकेट दूध डाल के मैंने उबाला है। सो अभी थोड़ा सा बन गया है, लेट मी शो यू। तो पता नहीं ये क्यों नहीं बैठ जा रहा है, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। एंड ऐसा जो तरीका है मैं पहली बार बना रही हूँ, आई डोंट नो कैसा बनेगा। सो लेट मी शो यू। क्यों नहीं हो रही है, तो देख सकते हैं अभी तक उबल रहा है, हो गया होगा 1-2 घंटे। थोड़ा सा और थोड़ा ठीक हो जाएगा तो हमारा गाजर का हलवा रेडी। तो अभी तो इस वे में मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है तो पता नहीं कैसा बनेगा। तो अभी जैसे बनेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड मुझे स्टार्टिंग से रेसिपी शेयर करनी थी बट मैं भूल गई, मुझे अभी याद आया कि मुझे वीडियो बनाना है। सो मैंने आपको बता दिया है, प्रोसेस बहुत बहुत इजी है। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को गाजर का हलवा बनाना तो आता ही होगा, है ना। तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई किया है, तो लेट्स सी अगर अच्छा बना तो आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, और गलत भी बना तो क्या मिस्टेक हो वो भी बताऊँगी आपसे। सो ओके, खीर बन के रेडी हो चुका है और दिन में रेडी किया था, अभी बज रहे हैं शाम के 6। और जो खीर बोल रही, गाजर का जो हलवा है वो तो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है ऐसा लग रहा है देख के। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और रेडी है। यम, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि इतना टेस्टी बनेगा। मैंने इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स कुछ ऐड नहीं किया है, मैंने इसमें काउ मिल्क 3 पैकेट मैंने इसमें ऐड किया था। और मैंने जस्ट फॉर ट्रायल, क्योंकि ऐसे इस हिसाब से कभी मैंने बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ कैसा बनेगा। पर वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, एंड ठंडी जब हो जाएगी ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। सो यही था, आई लव इट। चलिए मैं अपना गाजर का हलवा इंजॉय करती हूँ, आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर खाइए। तो अभी झाड़ू पोछा सब चीज़ हो गया है, बस कपड़े नहीं धुले हैं। कपड़े भी मैं मशीन में डाल दूँगी धुलने के लिए। तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि आज तुलसी माँ का पूजा भी होगा, जो कि मुझे इधर तो है नहीं, नॉर्थ साइड में तो है नहीं बट उधर उड़ीसा में है। तो वो मुझे बताइएगी तुलसी माँ की आज पूजा करनी है। तो वैसे तो मैं हमेशा जब भी टाइम मिले माता रानी की पूजा करती हूँ, तो आज थोड़ा सा अच्छे से सजाऊंगी और अच्छे से पूजा करूँगी। तो आज है संक्रांति है और ये सब चीज़ है, तो आज बहुत ही स्पेशल डे भी है। एंड मेरी बेबी आज 8 मंथ कंप्लीट हो गई है एंड 9 मंथ में एंट्री कर रही है, तो बहुत अच्छी शुरुआत है। और जो पूजा उधर है उड़ीसा में पूजा है, तो वो बोली कि तुम भी कर लेना पूजा, मैंने ठीक है। तो पता नहीं क्या क्या बेल फ्रूट बेल पत्ता कुछ कह रही थी, तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे वो सब नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ शिवरात्रि के टाइम बेर फ्रूट कुछ ये मिलता है और टाइम पे यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये है,
बाकी जो भी होगा मैं करूँगी, तो एक छोटा सा क्लिप मैं ही डाल दूँगी, क्योंकि पूरा विधि विधान से तो पूजा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं इतना, बट जितना मेरे से हो सके मैं उतना पूजा करूँगी, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, तो वही मैं करूँगी, तो आप लोग से शेयर करूँगी, ठीक है। एंड रही बात ये सब उधर का जो रीति रिवाज है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होता है वहाँ पे जो कि मुझे कोई आइडिया है नहीं इस बारे में। तो जो भी पूजा पाठ है ये सब चीज़ तो सास ही करती है वहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या क्या करूँगी, है ना। नॉर्मल जो पूजा मैं अपने घर पे करती हूँ वो मैं कभी कभार वहाँ करती हूँ, वरना इतना जो आता है ना बीच बीच में जो भी पूजा पाठ आता है ये सब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। एंड मेरी सास मुझे कुछ बताती नहीं है, अगर उसको लगता है कि मुझे कुछ बताएगी तो मुझे बुरा लगेगा, है ना। बस मुझे बुरा किस बात का लगता है मैं बताती हूँ। गाइस देखिए, आप भी मेरे बात पे एग्री करेंगे, और मुझे लगता है कि हर कोई एग्री करेगा। देखिए, कोई भी पूजा पाठ आप अगर करते हो ना, तो विधि विधान पता होना चाहिए, उसके पीछे जो भी पुराणों में जो स्टोरी है, जो कथाएं हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप पूजा पाठ करोगे विधि विधान से, है ना। नॉर्मल एक दो चीज़ें आपको पता होगा तो आप कैसे करोगे। तो वो क्या करती हैं, वो बताती तो है नहीं क्या क्या करना है, बस यही बोलती हैं कि आज चावल मत खाना, आज ये मत खाना, वो मत खाना। अरे जब मुझे, मैं जब पूजा नहीं कर रही हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, और इधर नॉर्थ साइड में ये सब होता नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है वहाँ पे क्या क्या पूजा होता है, वहाँ की कथाएँ मुझे पता नहीं है, तो नॉर्मल मैं ये नहीं खाऊँ वो नहीं खाऊँ, तो मैं इस बात पे गुस्सा होती हूँ, और इस बात पे मुझे गुस्सा आता है कि बाकी जो पूजा पाठ कैसे करना है क्या नहीं करना है वो तो मुझे बताती नहीं है, बस ये बोलती है ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो मैं उस बात पे गुस्सा होती हूँ। बाकी जो वहाँ पे एक प्रथा है, ऐसे पूजा करना, ये नहीं करना वो करना है, वो इस तरफ नहीं होता है, और इस तरफ कुछ कुछ ऐसे फ्लावर है, फ्रूट है, कुछ कुछ ऐसे जो कि इधर नहीं मिलता वो उधर मिलता है, कि वहाँ पे तो ये भी है। और वहाँ पे पूजा पाठ जब करते हैं तो कुछ कुछ पूजा में ये वाला फ्रूट चढ़ना चाहिए, ये वाला फल, मतलब फूल चढ़ना चाहिए, ऐसा है ना, ये सब बोलता है, तो वो इधर नहीं मिलता है। कोई कोई फ्रूट ऐसा है कि जो इधर मिलेगा वहाँ नहीं मिलेगा, कोई कोई फ्लावर ऐसा है कि जो वहाँ मिलेगा यहाँ नहीं मिलेगा, तो बहुत रीति रिवाज का जो है ना बहुत ज़्यादा अंतर है, और मैंने कभी ये सब देखा नहीं है। और अगर वहाँ पे मैं रहूँगी देखूँगी तो शायद मुझे कुछ पता हो, बट दूर रह रहे हैं तो कुछ आइडिया नहीं है, तो सिंपल वो बोलते ये नहीं खाना वो नहीं खाना आज ये नहीं खाना, मुझे इसके पीछे का जो रीज़न है वो पता नहीं है, तो क्यों करूँ, है ना। इसलिए मैं उसकी बात नहीं मानती हूँ, जो मेरा मन करता है और जैसा मेरा मन करता है मैं वो करती हूँ। और एक बात है, पता है, कोई चीज़ मुझे अगर मना करे ना ये नहीं करो, तो मैं वो ज़रूर करती हूँ, वो मैं ज़रूर करती हूँ। और पूजा पाठ है, जो कुछ भी है, वो सच्चे मन से मैं करती हूँ, और जितना मुझे पता है, जितना मुझे आता है, वो मैं सच्चे मन से करती हूँ। ये नहीं कि मुझे वीडियो बनाना है या किसी को दिखाना है तो मैं उसको करूँगी, नो, मुझे वो पता होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। कुछ कुछ पूजा पाठ ऐसा है जो कि वहाँ होता है, मतलब यहाँ होता है वहाँ नहीं होता, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा है कि उसका जो विधान विधि विधान है वहाँ कुछ अलग है यहाँ कुछ अलग है, तो मैं, मुझे तो यहाँ का ही पता होगा ना, वहाँ का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो फिर जब मुझे आइडिया नहीं है तो मैं वो क्यों करूँ जो कि मुझे पता ही नहीं है, है कि नहीं। इसलिए जितना मेरे से हो सके मैं उतना करती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत गुस्सा होती हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें ना बताया करें, और मुझे जानना भी नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो अभी सास सब चीज़ वही करती है वही करे, सो बस यही है। और जो पूजा पाठ है ना वो मन से, सच्चे मन से करना चाहिए, ये नहीं कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, घंटी बजा रहे हो, पर दिल में आपका उस पर्सन के लिए या और लोगों के लिए आपका, आपके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत हो और आप घंटी बजा रहे हो, वैसे तो भगवान जी भी स्वीकार नहीं करेंगे ना। तो ऐसे मैंने भी देखा है बहुत सारे एग्जाम्पल, जो कि
मैं सख्त इसके खिलाफ हूँ। इसलिए तो जो भी मैं करती हूँ आप लोग से हमेशा शेयर करती हूँ। जो लोग मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं उनको पता है, कुछ भी मैं पूजा पाठ करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं सच्चे मन से और बिल्कुल शांति मन से मैं करती हूँ, आप लोग से शेयर करती हूँ, है ना। तो आज भी मैंने यही सोचा है। सो एनी वेज, बाकी बातें जाए भाड़ में, मुझे कोई लेना देना नहीं है। सो आज बहुत बहुत स्पेशल डे है, मेरी बेबी 8 मंथ कंप्लीट हो गई। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ अपने ब्लॉग में क्योंकि मैं हमेशा से एक्साइटेड रहती हूँ हर चीज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं, अगर आज भगवान जी के दर्शन करने जाएंगे टाइम मिला तो। तो आज संडे है और आज हस्बैंड गए हैं ड्यूटी, तो अगर उनको टाइम मिलता है वहाँ से तो ज़रूर हम भगवान जी के दर्शन करने जाएंगे एंड अपनी बेबी का बेबी को भी दर्शन कराएंगे क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है इसलिए। तो चलिए, सारा काम ख़त्म हो गया है, बस कपड़े वपड़े धोना बाकी है एंड ज़रा मैं फ्रेशन अप होके फटाफट पूजा करती हूँ। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकू लाइफ स्टाइल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस यस, आज है 14 अप्रैल और मेरी बेबी कम्प्लीटली 8 मंथ हो गई है। अब वो 9 मंथ में एंट्री कर रही है एंड मतलब हर दिन उसको ग्रो करते हुए देखना इज सच अ ब्लेसिंग फॉर अस क्योंकि हम बहुत टाइम से ये जो मोमेंट है इस मोमेंट का वेट कर रहे थे एंड फाइनली वो हो रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो हम हर मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि ये मोमेंट कैप्चर करें, वो मोमेंट कैप्चर करें, बट कभी कभार पॉसिबल हो पाता है, कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:14 और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस अब मैं करूँगी बेबी का फ़ोटो शूट। एंड आप सबको पता ही है मैं ओनली जो घर में अवेलेबल होता है ना उन्हीं चीज़ से मैं बेबी की बेबी को मतलब बेबी की शूटिंग करती हूँ। तो मैंने एक वीडियो देखा था, एक नहीं बहुत सारे वीडियो देखा था जहाँ पे चावल और दाल को कुछ डिज़ाइन करके फ़ोटो शूट के लिए रेडी करते हैं। तो सेम एज़ इट इज़ मैं भी करने की कोशिश करूँगी। तो हर बारी तो मैं नहीं कर सकती इस तरह से फ़ोटो शूट, बट जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि नो मैं इस बार ज़रूर करूँगी ऐसा फ़ोटो शूट। एंड आप सबको आप सभी बताना कैसा लग रहा है। सो अभी मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या, नहा लिया है, पूजा वूजा हो गया है एंड आप सबको हैप्पी नवरात्रि, ये चैत्र नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत 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 शुभकामनाएं। तो यहाँ पे तो गर्मी शुरू हो गया, अभी नहा के मैं आई हूँ फिर भी ऐसा गर्म गर्म लग रहा है। तो हर बारी ये कोशिश रहता है कि मैं कुछ स्पेशल करूँ जब बेबी मंथ वाइज वो ग्रो मंथ मंथ उसका जब होता है तो, बट कभी हेल्थ इशू की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ और कभी कुछ बिजी शेड्यूल हो जाता है। बट इस बार मैंने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, इस बार मैं ज़रूर फ़ोटोशूट करूँगी बेबी की एंड आप सब लोग खूब सारे ब्लेसिंग्स दीजिए मेरी बेबी को, मेरी बेबी दित्या को। और यही है, और आप सबको एक हैप्पी न्यू ईयर। हमारे नेपाल में न्यू ईयर चल रहा है एंड ये जो हमारे में बोलते हैं कि बैसाख एक गत्ते, तो बैसाख एक गत्ते मीन्स पहला तारीख बैसाख का। तो आप सबको मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर, और जो भी नेपाली लोग अगर देख रहे हैं तो सबैलाई हाम्रो तरफबाट धेरै धेरै नव वर्षको धेरै धेरै शुभकामना छ। तो हम लोग जब घर में होते थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे, मतलब कैमरा ना ऐसा ऐसा घूम रहा है। तो हम लोग जब नेपाल में थे, हम अपने फैमिली के साथ थे ना, हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे न्यू कपड़े पहनना एंड ख़रीदना, खूब सारे मिठाई बनाना, खाना बनाना एंड सब लोगों के साथ मिलके खाना खाना, इन्जॉय करना, पिकनिक जाना, मूवी जाना, हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे। बट अभी है ना, हम मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी बेबी ही हैं, तो ऐसा कुछ हम लोग
छोटा मोटा हम करने की कोशिश करेंगे। एंड ओह ईयर तो दो बार, एक जो जनवरी में आता है जो इंग्लिश न्यू ईयर होता है वो तो सब मनाते हैं, बट हमारे नेपाल में जो ये अप्रैल का जो महीना होता है ये न्यू ईयर का महीना होता है, और इसमें जो बहुत ज़्यादा मतलब डांस गाने बनते हैं, न्यू सॉन्ग बनते हैं, तो बस यही है। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो सब देख के। बट शायद मेरे ख्याल से उड़ीसा में भी न्यू ईयर ही चल रहा है, शायद उड़ीसा में भी न्यू ईयर है, तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। एंड बहुत अच्छे टाइम में मेरी बेबी भी 8 मंथ कंप्लीट हो रही है, तो और ज़्यादा बक बक ना करते हुए फटाफट बेबी का फ़ोटो शूट करती हूँ। एंड मैंने बेबी के लिए एक ड्रेस, न्यू ड्रेस लिया है, तो वो भी आप लोग से शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास तो है ऑलरेडी और मेरे हस्बैंड के पास, वो तो इतना फोटो शूट करते ही नहीं है, उनके पास भी है, तो मैंने सोचा कि चलो बेबी का पहला न्यू ईयर है तो थोड़ा सा एक नया ड्रेस होना चाहिए, तो बेबी के लिए न्यू ड्रेस लिया है और शायद मैं उसी में फ़ोटोशूट बेबी का करूँगी। तो आप सब लोग बताना कैसी लग रही है। सो यही है, एंड चलिए फ़ोटोशूट स्टार्ट करते हैं। बताया गाइज, आंखें मेरी बिल्कुल लाल लाल नज़र आ रही होगी आपको, क्यों? क्योंकि रात को सो नहीं पाती हूँ, और दिन में अगर मैं सो जाऊँ तो दिन में फिर काम कौन करेगा, है ना? तो सारा घर का काम करना पड़ता है, और बस यही सब चल रहा है। और एंड इधर थोड़ा क्लियर आ रहा है, मैं शायद अंधेरे में बैठ के वीडियो बना रही थी। सो यही है कि थोड़ा बिजी, बहुत बिजी चल रही हूँ, एंड थोड़ा सा छोटा मोटा हेल्थ इश्यू चल रहा है, जो कि वो मेरे साथ हमेशा लगा ही रह रहा है। तो फाइनली बस यही है। और एंड मेरे आपको मेरी आवाज़ भी भारी भारी लग रहा होगा, नींद, आंखें भी लाल हो रही होगी, बिल्कुल नींद पूरा नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है। बट एनीवेज, मैं हर चीज़ इंजॉय करती हूँ, हर छोटी चीज़ बड़ी चीज़। हाँ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगा ना तो ठीक है, नहीं कर पाती, वरना अगर थोड़ा अगर मैं ठीक हूँ तो मैं हर चीज़ इंजॉय करती हूँ। इवन अगर मेरे फ्रेंड्स के कुछ भी फंक्शंस आने वाले होते हैं, मैं तब भी एक्साइटेड रहती हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हर चीज़ के लिए। सो चलिए फोटोशूट स्टार्ट करते हो गाइज, हम हो गए हैं रेडी, अब करते हैं फटाफट फोटोशूट। बेबी को रेडी करना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, उससे पहले कि ये पूरा अपना बाल बाल ख़राब कर दे, फटाफट फोटोशूट कर। तो गाइज, मैंने बनाया था चावल का ये 9 8 कंप्लीट से 9, अब हो जाएगी 9 में स्टार्ट होगी, एंड बेबी रेडी। पूजा हो गया है डन, मैंने नहा लिया था, एंड आज मैंने ये सिंपल सा सूट पहना है, तो पूजा वूजा मैंने सब चीज़ अच्छे से कर लिया है, और माँ तुलसी हमेशा हमारी रक्षा करें, आप सबकी रक्षा करें। तो बस मैंने आपको वीडियो छोटा सा बना के दिखाया, मैंने नॉर्मल वैसे पूजा किया। आई थिंक बहुत सारा रंगोली और ये सब बनता है, जो कि मुझे रंगोली बनाना नहीं आता, और मुझे ऑन द स्पॉट ही कल शाम को पता चला, तो मैं कुछ रेडी भी नहीं कर पाई कि क्या क्या कराना है उसमें। तो नॉर्मल जो मैं हमेशा एक सच्चे मन से, श्रद्धा से जो पूजा करती हूँ, मैंने वही पूजा आज किया। सो बहुत अच्छा लग रहा है। सो चलिए, और बेबी का फ़ोटोशूट हो गया है कंप्लीट, एंड मैंने थोड़ा ड्रेस चेंज किया और बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं, सो लेट मी शो यू। एंड अभी जाना है हमको माता रानी के दर्शन करने, देखते हैं कहाँ जाते हैं, तो अभी चलते हैं, और वहाँ पे पॉसिबल होगा तो छोटा सा वीडियो मैं बनाऊँगी ज़रूर। एंड अभी चलिए, लेट्स गो। तो गाइज, हम लोग आ गए हैं मार्केट से, अभी जस्ट हम लोग मार्केट से आए, और हमको मंदिर जाना था,
बट यहाँ पे अचानक बारिश हो गया तो हम जा ही नहीं पाए। और फिर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी पर बेबी को लेके जाना गाड़ी में ठीक नहीं लगा, बल्कि मंदिर तो पास में ही है फिर भी बिल्कुल ठीक नहीं लगा, इसलिए हम नहीं गए। तो हम ई रिक्शा में हम लोग गए थे मार्केट, और अभी जस्ट आए हैं तो थोड़े से शॉपिंग करके आए हैं, मतलब शॉपिंग नहीं बोल सकती, बेबी के लिए एक दो कपड़े लेकर आए हैं। और वैसे भी बेबी के समर के लिए जो कपड़े हैं वो ऑलरेडी हम ले लिए थे 1 महीने पहले ही, ये ले ले लिए थे, तो अभी सिर्फ एक दो जो घर में पहनते वो कपड़े लेकर आए हैं बस। और आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँगी, और खूब सारे ब्लेसिंग्स दीजिए अपने प्रेयर्स में, हमको याद रखिए, मेरे बेबी को याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में कि नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्द मिलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर गाइज एंड लव यू ऑल। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करिए, उसका नाम भी कुकू लाइफ स्टाइल है। ठीक है गाइज, हे गाइज, तो आज है नेक्स्ट डे, कल मैंने ब्लॉग एंड तो कर लिया था, और इस ब्लॉग को मैं फटाफट अभी एडिट करके फटाफट पोस्ट करने वाली हूँ। बस एक छोटी सी चीज़ आप लोग से शेयर करना था तो सोचा कि चलो एंड करने से पहले बता दूँ, और ये था कि गाइज कल हमने बेबी के लिए लिए एक दो आइटम लिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने लिया है एक छोटू सा ग्लास, क्योंकि अब बेबी बड़ी हो रही है तो जैसे उसका मन करता है कि खुद खाना खाए, कटोरी मतलब ग्लास इसको पकड़ने की कोशिश करती है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक छोटू सा ग्लास लूँ। और सबसे ख़ास बात यह है कि मैंने इस पर उसका नाम लिखाया है दित्या करके, ठीक है, आपको दिख गया, दित्या करके, और बहुत छोटू सा ग्लास है, इसमें पानी खाना वो सब चीज़। तो यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से ढोल बज रहा है पता नहीं क्यों। तो और एक मैंने लिया है डॉल्जी, जो जिसमें दूध हम लेते हैं ना, वो हम तो जैसे मतलब बचपन से, मतलब जब थोड़े बड़े हुए 6-7 क्लास, तब से मैंने दूध पीना ही बंद कर दिया था, क्योंकि दूध दूध से ना मुझे एक अजीब सी स्मेल आती थी, तो मैंने दूध भी नहीं पिया, और उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत, जैसे गैस की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत मेरे को होती थी, तो मैंने कभी दूध नहीं पिया, जैसे 6-7 क्लास के बाद मैंने दूध नहीं पिया। और मेरे पापा आर्मी में थे तो मतलब दूध का पर डे पैकेट आता था, जो आर्मी में रहते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, हमारे पास इतना सारा दूध बच जाता था ना, वेस्ट ही हो जाता था। तो उसके बाद तो मैंने पूरी अपनी प्रेगनेंसी में भी कोई मिल्क नहीं लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एसिड प्रॉब्लम हो रहा था, कोई मिल्क नहीं लिया। तो पहले जब हम, मेरे हस्बैंड और हम दोनों ही थे, तब तो कभी कभी ये चाय पीने के शौकीन है, तो कभी कभार दूध का पैकेट लेके आते थे, उसी से मैं तो चाय भी नहीं पीती हूँ। बट अभी मैंने डॉल्जी लिया है, ताकि मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा करके दूध पीना शुरू करूँ, और मतलब थोड़े से मतलब वीकनेस ऐसा फील होता है बीच बीच में, इसलिए तो मैंने डॉल्जी लिया। स्पेशली वो डॉल्जी मेरी बेबी के लिए है, तो उस डॉल्जी में भी मैंने अपने बेबी का नाम लिखा था। और 2 महीने पहले हमने छोटा सा कुकर लिया था, और एक पतीला लिया था, और ये ढक्कन लिया था कवर करने वाला। तो मैंने बहुत चाव से वो कुकर लिया था छोटा सा, और वो 2 दिन मतलब अच्छे से चला, उसके बाद 3रे दिन से वो ख़राबी हो गया, मतलब कि सीटी आना बंद हो गया, तो उसमें मैंने नाम नहीं लिखवाया था। तो सोच रही हूँ कि किसी दिन मार्केट जाऊँगी तो कुकर भी ठीक करा लाऊँगी, तो उसमें भी बेबी का नाम लिखूँगी। तो बस यही है कि सबसे पहले जो बेबी का नाम अगर कहीं लिखा है तो ये उसमें लिखा है ग्लास में। तो मैं चाहती हूँ कि उसके हर छोटे छोटे बर्तन में, या उसकी मतलब कोई भी आइटम चीज़ है जिसमें नाम लिखा जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें नाम लिखूँ उसका, बेबी का। एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब चीज़ ऐड करते हुए, क्योंकि जैसे गर्ल्स को ना, जैसे मार्केट जाते हैं कॉस्मेटिक की दुकान में जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी चूड़ियाँ होती, लिपस्टिक, बिंदी, सब चीज़ होता है ना, फिर भी हम लोग आकर्षित हो जाते हैं कि अरे ये भी ले लेते। तो सेम मेरा एक और बहुत मतलब बोल सकती हूँ कि एक जो कलेक्शन रखने का जो है ना, वो मेरा कॉस्मेटिक तो है ही है, बट साथ में मेरा बर्तन का भी, मतलब कि अगर मैं मॉल जाऊँ या कहीं भी जाऊँ ना,
स्पेशली अगर एक दो बर्तन के लिए जाती हूँ तो मैं क्रॉकरी जाती हूँ। उसके बाद क्रॉकरी में मैं 1-2 घंटे आराम से वहाँ पे घूम फिर सकती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि मुझे क्रॉकरी आइटम्स है ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो कलेक्शन रखने का भी मुझे शौक है, तो अच्छा लगता है। पर अभी तो नहीं रख सकती हूँ, पर यस आगे और अच्छा होता जाएगा तो ज़रूर मैं बेबी के लिए जो बर्तनों का एक कलेक्शन होता है ना तो वो भी रखूँगी, और अच्छे अच्छे जो मैं सोच रही हूँ कि स्टील का ना सही कांस के जो बर्तन होता है ना वो मैं कलेक्ट करूँगी अपनी बेबी के लिए, हमारे लिए भी। अभी तो सारा स्टील का ही है, तो ये ग्लास था एंड बस यही चीज़ आप लोग से शेयर करना था कि फर्स्ट चीज़ मैंने यहाँ पे बेबी का नाम लिखवाया है। ये सब चीज़ ना छोटी छोटी चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है, मुझे ऐसा लगता है कि कर लेना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको खुश रहना चाहिए, वो ही आपको हैप्पी दिला सकता है और हर पल आप खुश रह सकते हैं। तो यही शेयर करना था आप लोग से, तो फटाफट मैं इस वीडियो को फटाफट एडिट करके मैं अभी पोस्ट करती हूँ।